हैं आशुति वोरा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। हरियाणा में एक के बाद एक लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटके लग रहे हैं। पहले तीन विधायक और अब बीजेपी के एक राजपूत नेता ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। हरियाणा में सियासी उठापटक इतनी तेज हो चुकी है कि सियासी पारा तक अपने चरम पर पहुंच रखा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूतों को लेकर दिए बयान के बाद बीजेपी की गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पार्टियों के खिलाफ काफी विवाद हुआ था। वहीं अब हरियाणा में बीजेपी के ही एक राजपूत नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे डाला है। पार्टी के नेता ने बीजेपी पर राजपूतों और क्षेत्रीय समाज की अनदेखी का आरोप लगाया है। ये नेता कोई और नहीं है बल्कि सूरजपाल अम्मू है। आपको बता दें कि हरियाणा में जाटों का जो वोट बैंक है, राजपूतों का जो वोट बैंक है, वो सबसे अहम है और सूरजपाल अम्मू का यूं इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरजपाल अम्मू ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया और अपना ये इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा। पार्टी छोड़ने के साथ ही अम्मू ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा डाले। आपको बता दें कि सूरजपाल अम्मू ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी में क्षेत्रीय समाज का प्रतिनिधित्व कम हो चुका है या कहें कि कम किया जा रहा है। साल 2014 से ही लगातार पार्टी आलाकमान द्वारा क्षत्रिय समाज के कद्दावर नेताओं को पार्टी से दूर किया जा रहा था। बीजेपी की आलोचना करते हुए भी सूरजपाल अम्मू का कहना है कि गुजरात के पूर्व मंत्री ने क्षत्रिय समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, इसके बावजूद उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था। आपको यह भी बता दें कि यह मंत्री कोई और नहीं है बल्कि पुरुषोत्तम रूपाला ही हैं, जो कि अपने बयान के लिए लगातार माफी मांग रहे हैं। बीते दिनों ही उनका कहना था कि उनके गलत बयानों के चक्कर में पीएम मोदी से वो कहीं ना कहीं विवाद में उलझ गए थे। सूरजपाल अम्मू की बात करें तो जब साल 2018 में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत आई थी, उस दौरान ही 2018 में अम्मू ने इस्तीफा दिया था, लेकिन उस दौरान उनका इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया गया था। अम्मू 1990-1991 में वे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा सोहना के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं 1953-1996 में भाजपा युवा मोर्चा के जिला महासचिव रह चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर हरियाणा में इतने कद्दावर नेता भी अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सियासत से छूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी अपना गिरता वर्चस्व को किस तरह से संभालेगी? क्योंकि हरियाणा में आप देखें जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया था या कहे कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया था और उसके बाद नायब सिंह सैनी की सरकार आई थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में इस बात के समझे कि कयास जो थे वो तेज हो चुके थे कि अब हरियाणा में बीजेपी की जो सरकार है वो एक बार और सशक्त होगी और मजबूत होगी और कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी अपने तमाम विधायकों को लेकर चलेंगे। लेकिन तीन विधायकों का एकदम से पार्टी छोड़ना, कांग्रेस के साथ समर्थन देना, कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेना और अब कद्दावर नेता का कहीं ना कहीं हरियाणा बीजेपी से एक तरह से इस्तीफा दे डालना और उसके बाद लगातार एक तरह से आप समझें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाना, कहीं ना कहीं अब हरियाणा में जो 7 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं 25 मई को, अब राजपूतों का जो वोट बैंक माना जाता है हरियाणा, अब इस वोट बैंक में गहरा असर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार आप ये देखें कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरती जा रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात का जरूर फायदा उठाएगी, भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं इस बात का जरूर फायदा उठाएंगे और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुश्किलें हैं हरियाणा में वो बेहद बढ़ चुकी है। तो अब देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कोई कदम उठाएंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कोई रोल निभाने की कोशिश करेंगे, हरियाणा में गिरती राजनीति, हरियाणा में गिरती पार्टी का स्तर जो है, क्या सही में अब नरेंद्र मोदी हरियाणा के लिए कोई अहम कदम उठाने जा रहे हैं? फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।